क्यों आए? चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर 13, बात क्लियर हो गया? तो ग्रुप नंबर 13 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो टॉप टू बॉटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? और +1 का हेलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है, क्यों और रीजन बताओ? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों रहना चाहता है? तो TlCl3 ज्यादा स्टेबल है, TlCl लिख लिए ना। और अब एक नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे ये क्वेश्चन में लिख के देगा कि बोरॉन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, +4, बिल्कुल सही। लेकिन आप बोलोगे सर कैसे होता है, तो मैं केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा। तो तुम लिखो नोट डाल के, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज क्योंकि बॉन्ड भी बनाता है ना, तो मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4। लेकिन जब बोलेगा तब मैक्सिमम वर्ड जब नाम लेगा तब मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4। और इसमें आगे लिखना मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ अल्मोनियम इज 6। मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ अल्मोनियम इज 6। अभी कैसे होता है वो आगे हम बताएंगे। मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ अल्मोनियम इज 6। तो यहां देखने वाला बात यह है कि पी ब्लॉक में कभी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है और कभी +3 भी है, यानी ये एस ब्लॉक के जैसा नहीं है। एस ब्लॉक में फिक्स हुआ करता था, लेकिन यहां पर क्या है, वेरिएबल है, कभी थैलियम +1 भी, कभी थैलियम +3 भी। तो नोट डाल के नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पी ब्लॉक हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पीडीएफ तीनों एक साथ लिख लो, पीडीएफ, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, पीडीएफ हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पीडीएफ हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बरोबर। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि बोरॉन अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या करता है, ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, बोरॉन लूज करके नहीं, बोरॉन शेयर करता है, तो बाद में समझ में आएगा। यानी बोरॉन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, बोरॉन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट। तो लिख लो नोट डाल के, हालांकि बाद में हम बात करेंगे, बोरॉन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, बोरॉन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, ये तुम्हें जानकारी के लिए लिखवा दिया, अदरवाइज हम बाद में केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम ग्रुप नंबर 14 लिखेंगे। ग्रुप 14 कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लीड। तो हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ले, और हम अच्छे से जानते हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो कभी ये 4 लूज नहीं करता है, 4 शेयर करना लगता है। तो मुझे तुम बताओ, अब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ भी लिए, कि ये 4 लूज करके अपना डुप्लेट क्यों नहीं कंप्लीट करता है, 4 शेयर क्यों करता है? व्हाई कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स बट इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन? हाँ, ज्यादा एनर्जी लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, तो IE1, IE2, IE3, IE4 बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जितना का कंपाउंड ना बनेगा उतने ज्यादा एनर्जी दे देंगे हम, बरोबर है क्या? जितना का
तो इसलिए वैसा वो काम करता है कि उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और एनर्जी भी क्या लगे, कम लगे, इसीलिए बोलता है कि हम शेयरिंग कर लेंगे। तो सिलिकॉन के भी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 4 एंड वैलेंसी। अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर में करता है, 4। क्लियर, कोई डाउट है? अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 इज +4, ठीक है। बट इस पे हम +2 भी बोल सकते हैं, उसी के जैसा। और ये +4 ज्यादा स्टेबल, लेकिन लीड +2 इज मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के मैटर में ये +4 स्टेबल, +4 +4 +4 +1 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4। कॉमन मतलब ज्यादा किसमें वो रहना चाहते हैं, तो +4 में ज्यादा रहना चाहते हैं। लेकिन लीड जो है +4 से ज्यादा स्टेबल कौन है, +2। लीड है +2 इज मोर स्टेबल देन +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मुझे बताओ कि टॉप टू बॉटम +4 का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज, क्या होगा? हाँ, तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 क्या होगा, डिक्रीज। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। और स्टेबिलिटी ऑफ +1 क्या होगा, +2 लास्ट में आते आते कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लीड +2 ज्यादा स्टेबल होता है। तीन किस में ज्यादा स्टेबल होगा, +2 में या +4 में, +4 है? तीन किस में ज्यादा स्टेबल होगा, एक गधेड़े, अब गधा है सब, यहां लिखा हुआ है ना, दिमाग नाम में कोई चीज नहीं है क्या, कौन सा स्टेबल होगा, +4 या +2? लीड +4 इज मोर स्टेबल देन +2, ना लिखा हुआ है ना, सॉरी लीड नहीं, टीन है। लीड किस में होगा, लीड +2, मैं किसका बोला था, टीन का, तो टीन कौन सा स्टेबल होगा, +4। लीड किस में होगा, तो बताओ मेरे को, PbO2 ज्यादा स्टेबल है कि PbO ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल, पीबी, यहां लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ना, और यहाँ लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सब इसमें आधा गधा भरा हुआ है इसमें। कोई लीड पीबीओ बोलता है, कोई पीबीओ, किसी का कोई मतलब ही नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी कह दो, शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी कहो। यहाँ +4 है, +2 कौन ज्यादा स्टेबल होगा, है? तो PbO2 अगर है तो कहां जाना चाहेगा, PbO में, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, कम। कम होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दिस वन ये गुड है, अब रटते हो तुम लोग, लिखो जल्दी से, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कार्बन फैमिली का, व्हाट विल बी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली, लीड किसमें स्टेबल आता है, और तीन पीबीओ ज्यादा स्टेबल है, पीबीओ टू,
क्या? अब आगे कोई पीबीओ टू बोल दिया ना, उसका सर फोड़ देंगे। पहले बता रहे हैं, फोन भी आ रहा है सर फोड़ने के लिए। तो केमिस्ट्री समझ में आता है? ईमानदारी से बोलना, खरत खरत सांगा है सगड़े 100%। क्या मेरे को जितना मराठी बोलने आता है उतना समझ में आता है तुम लोग? ऐसा नहीं कि मेरे को जितना मराठी बोलने आता है उतना तुम लोग को समझ में आता है केमिस्ट्री, या मेरे को जितना हिंदी बोलने आता है उतना तुम लोग समझते? कितना समझते, हिंदी बोलने के बराबर या मराठी बोलने के बराबर? लोग बनारस गए कभी? काशी बनारस नहीं जाते तुम लोग? घूमने नहीं जाते काशी बनारस? नाम सुने बनारस का? मैं वही का हूँ। चल हो गया, लिख लिए। अब नोट डाल के लिखो, सिलिकॉन हैज मैक्सिमम वैलेंसी इज 6। कार्बन का मैक्सिमम 4 ही होता है, 4 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन का 6 होता है। सिलिकॉन हैज मैक्सिमम वैलेंसी इज 6। सिलिकॉन हैज मैक्सिमम वैलेंसी इज 6, बट कार्बन हैज मैक्सिमम वैलेंसी इज 4। 4 है तो 4 ही रहेगा, इसका नहीं होता है, बट कार्बन हैज मैक्सिमम वैलेंसी इज 4। कार्बन हैज मैक्सिमम वैलेंसी इज 4 बिकॉज इट डू नॉट हैव, बिकॉज इट डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। इट डू नॉट हैव वैकेंट VACNT वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब ये बाद में समझाएंगे क्या होता है वैकेंट VACNT वैकेंट डी ऑर्बिटल। SPD नाम सुने ना डी ऑर्बिटल? ऐसे देखते हो जैसे पहला बार किसी ने बोला है डी ऑर्बिटल। कार्बन कितना मैक्सिमम और इसी मैक्सिमम वैलेंसी को ना को वैलेंसी के भी नाम से जानते हैं। को वैलेंसी यानी को वैलेंसी कुछ और नहीं है, कितना नंबर ऑफ को वैलेंट बॉन्ड बनाता है। लिख लो, को वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ को वैलेंट बॉन्ड। तो आपसे अगर को वैलेंसी पूछे या वैलेंसी पूछे, बात एक ही है। नंबर ऑफ को वैलेंट बॉन्ड इज नोन एज को वैलेंसी। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंसी।
ठीक है, तो अभी तक हम बात करें अगर ग्रुप नंबर 1, 2 और 13, 14, तो मुझे ये बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है या डिफरेंट है? सेम है ना, मैक्सिमम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या है? सेम है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है ना? तो नेक्स्ट ग्रुप है 15 नंबर, ग्रुप नंबर 15, पिनकोजेन। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखा रही है। अभी न्यूजीलैंड से मैच भी चल रहा है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन? 7। दैट मीन्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी गधे, 7 होता है। मैं जो लिखूंगा वही बोलोगे, 7 है सर, 7 बोल दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 5। ठीक है, तो बताओ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा? गेन करेगा 3। क्यों नहीं लूज करेगा? ज्यादा लूज करने में एनर्जी ज्यादा लगाना है, 5 लूज करना पड़ेगा। गेन करना 3 गेन करे। अगर मेरे पास 5 है तो मैं 8 अगर कंप्लीट करना है तो मैं 5 दे के नहीं 3 लेके कंप्लीट कर लूंगा। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका? 3। तो क्या ग्रुप नंबर 15 में वैलेंस और वैलेंसी सेम है? नहीं, अभी तक सेम हुआ करता था ना, अब सेम नहीं होगा। यानी ग्रुप 1, 2, 13 और 14 का वैलेंसी क्या होता है? सेम। तो लिख लो, नोट डाल के इसे में लिखना है या इससे पहले लिख लेना या लास्ट में लिख लेना? चलो लास्ट में लिख लेना। अब हम बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +3 +5, फास्फोरस +5, आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। पर कहीं कहीं नाइट्रोजन ये +3 में भी होता है, एंटीमनी +3 और बिस्मथ +3। +5 इज मोर स्टेबल, बट बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल। सब इसी के जैसा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +5 लगभग सब में स्टेबल भी है ना। और इसमें बिस्मथ कौन सा स्टेबल में ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है? बिस्मथ प्लस रीजन क्या बोलेंगे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, लिखेंगे ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +5 का स्टेबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। और +3 का स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, हम बात करते हैं नाइट्रोजन का।
नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी मैक्सिमम वैलेंसी चार होता है, यहां पर कितना लिखा हुआ है तीन, लेकिन मैक्सिमम जब नाम लेगा तो चार होगा, लेकिन वहीं पर नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो प्लस फाइव होता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन होल्ड मैक्सिमम वैलेंसी इज फोर बट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस फाइव। N2O5 में निकालोगे ना तो पांच आता है। तुमसे एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो तुम बोलोगे पांच होगा, और इस केस में मैक्सिमम वैलेंसी कितना है, तो तुम बोलोगे चार होगा। तुम अब ये कैसे जान पाओगे चार होगा, तुम बॉन्ड अभी बनाना नहीं सीखे हो, तो बॉन्ड बनाने लगे हुए तब तुम्हें आ जाएगा कि वैलेंसी चार कैसे होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम के लिए वेट करो। फास्फोरस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अगर पूछा जाता है तो मैक्सिमम वैलेंसी इसका, मैक्सिमम वैलेंसी सिक्स होता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो प्लस फाइव होता है, सॉरी मैक्सिमम वैलेंसी पांच होगा, इसका मैक्सिमम वैलेंसी सबका पांच होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस फाइव ही होगा मैक्सिमम। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं होता है, नाइट्रोजन के साथ मैक्सिमम प्लस फोर होगा वैलेंसी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पांच होगा मैक्सिमम, बाकी के साथ ऐसा स्ट्रेट होगा। अब ये क्यों है होगा, ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग तक वेट करना पड़ेगा क्यों ऐसा आ रहा है। ठीक है, कि प्लस फाइव कैसे बोल दे रहे हो सर, हमें रटना पड़ेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है, आगे चल के जब केमिकल बॉन्डिंग टीच करेंगे ना तो हम बताएंगे कि ये सब कैसे आ जा रहा है, तो फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट याद करके रखोगे, और आने वाले दिनों में मैं सब क्लियर करूंगा। क्या बात क्लियर हो गई? अब नोट डाल के क्या लिख सकते हो, ग्रुप 1, 2, 13 और 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होता है, लेकिन ग्रुप 15, 16, 17 और 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी विल नॉट बी सेम। कोई डाउट है? जब कोई तुम्हें डाउट नहीं है तो AlCl H2O+2 मुझे बताओ कि यहाँ पर अल्मोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर अल्मोनियम का वैलेंसी कितना है, मैक्सिमम वैलेंसी। ये क्वेश्चन आप बनाओगे? अंगारा सुरभे, सबने लिख लिया? कोई डाउट किसी को?
ये सबने लिख लिया। अभी सांगली के मार्केट ओपन हो गया क्या? मार्केट ओपन सब कितने बजे तक? 4 बजे तक। अल्मोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, और ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा। कैसे जी? वाटर पे चार्ज क्या लिया जाता है? वाटर पे चार्ज क्या लिया जाता है? आई 0+1 क्या बोल रहे हो तुम? आगे पढ़ते हो पीछे भूलते जाते क्या? वाटर पे चार्ज ही नहीं आते। पीछे का एक भी पूछ लो सर, रिवाइज करना पड़ेगा। समझ में आता है? हाँ, पूछो पीछे से, सर अभी नहीं याद है, रिवाइज करेंगे तब बताएंगे। इसका मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। यहाँ पर हमेशा तुम्हें चीजें याद होना चाहिए। जैसे ABCD नहीं भूलते हो ना लिखना, वैसे ये सब भूलना नहीं है। चलो, अल्मोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अल्मोनियम का मान लेंगे X है। क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, वाटर पे 0 होता है। इक्वल टू +2 है, क्योंकि इक्वल टू में 0 नहीं लिखेंगे, +2। ये इधर जाएगा, X इक्वल टू +2 +1, ये हो जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्मोनियम इज +3। तो कई इसमें गधे है जो -4 बोल रहे हैं, +1 बोल रहे हैं, एक से गधा इसमें। अब जब तुम्हें बात कर दिया कि अल्मोनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वैलेंसी क्या है, तो देखो एक चीज यहां पर छूट गया मेरे से, 5 होगा। फिर भी अगर 5 लोग ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? 0 ही रहेगा। तो देखो यहां पर वाटर बॉन्ड बनाया है इसके साथ, 1, 2, 3, 4, 5 और एक क्लोरीन। बबताओ कितना बॉन्ड बना है? 6। ये सब बात केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। तो मैक्सिमम वैलेंसी अभी डायरेक्ट मैं तुम्हें याद करवाया हूं, तो तुम डायरेक्ट बोलो कि 6 होता है, मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है, 6 आंसर होगा। बराबर है क्या? तुम बॉन्ड अभी बनाना नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैक्सिमम वैलेंसी 6 अभी अभी लिखवाया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3 एंड मैक्सिमम वैलेंसी इज बी 6। क्लियर? चलो, हम बात कर रहे थे ग्रुप नंबर 15, अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 16। राइट डाउन ग्रुप नंबर 16। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ग्रुप 16, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, और वैलेंसी जो हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो देखो, ऑक्सीजन -2 भी होता है, +2 भी होता है, -1 भी होता है, -1/2 भी होता है। लिखो, तुम लोग परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में बताया था ना सब, ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, यानी कुल मिला के ऑक्सीजन का -2 से कहां तक होता है? +2 तक, इन्हीं के बीच में सब होता है। लेकिन सल्फर बाकी सब +2 भी होता है, -2 भी होता है, +2 भी होता है, +4 भी होता है, +6 भी होता है, बाकी सब का ऐसे होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है।
लेकिन ऑक्सीजन का अलग से होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 होता है। ऐसा क्यों होता है ये, जबकि +6 होता है? तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम वैलेंसी 3 होता है। कैसे होता है वो आगे बात करेंगे। लेकिन सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है, यानी कहीं ना कहीं उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से वैलेंसी तय हो रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका वैलेंसी तय हो रहा है। एक दो जगह नहीं होता है, नाइट्रोजन के केस में, फास्फोरस के केस में देखोगे, फास्फोरस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ करता है? 5। तो इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी कितना होगा? 5। कल याद करके आओगे, मैक्सिमम वैलेंसी 5 है। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैलेंसी से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मैक्सिमम वैलेंसी तय होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होगा। कहां कहां? नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, अब इसमें बाकी नहीं लिखेंगे, पोलोनियम +2 में होता है कि प्लस इसमें होता है। बाकी मैं सल्फर के लिए लिखा हूं, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इसके जैसा होगा। केवल एक अलग होता है, कौन? ऑक्सीजन। और ये क्यों डिफरेंस आ रहा है आगे बात करें। इफ दे विल हैव ओनली वैलेंसी देन 3 विल कम। हाँ, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से वैलेंसी तय हो रहा है। +1 पॉसिबल है। लिख लिए, लिख लिए। अब ग्रुप नंबर 17 लिखो। ग्रुप नंबर 17 में फिर कल बाहर आएंगी अंटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? आउटर सेल मध्ये, वैलेंस सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7, और वैलेंसी विल बी 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो फ्लोरीन का -1 होता ऑलवेज। इसका फ्लोरीन का विशेष बात यह है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, कभी भी इसका प्लस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, जो अभी भी पढ़े हो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होता है। इसलिए जब ये किसी से अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचने के चक्कर में रहता है, और जब खींचता है तो इसमें चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा? -। ये कभी भी प्लस क्रिएट नहीं करवाता है। तो फ्लोरीन हैज ऑलवेज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -1, नेवर बी +1, नेवर बी +3, 5, 7। क्लियर? और इस केस में वैलेंसी भी, इसका वैलेंसी भी 1 ही हुआ करेगा, मैक्सिमम वैलेंसी भी 1 ही हुआ करेगा फ्लोरीन के लिए। हम बात करेंगे क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन बोलो या ब्रोमीन बोलो या आयोडीन बोलो, तो ये सब के लिए मैं बात करूं, -1 भी होता है, ठीक है, +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है, ये सब के लिए मैं बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ दो तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और स्टेटाइन भी, एटीबी,
इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 7 होता है, +7, और इसी वजह से मैक्सिमम वैलेंसी जो हो जाएगा, मैक्सिमम वैलेंसी वो 7 होता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या तय होता है, वैलेंसी। तो अभी तक तुम्हें इतना मैं पढ़ाया, एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि BCNOFAL सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, इस दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बाकी नीचे वाला में इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होने का वजह है, बाद में बात करेंगे क्या वजह है। हम बार बार फ्लोरीन और क्लोरीन को अलग कर रहे हैं, बार बार ऑक्सीजन और सल्फर को अलग कर रहे हैं, बार बार हम नाइट्रोजन और फास्फोरस को अलग कर रहे हैं, बार बार हम कार्बन और सिलिकॉन को अलग कर रहे हैं, इसका एक वजह है, वो आगे हम टीच करेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बताओ कि हैलोजन फैमिली का मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगा, अगर फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगा, मैक्सिमम वैलेंसी 7। वो वैलेंसी है जब तुम्हें मैक्सिमम मॉड नाम दिया जाएगा ना, तो ये बोलोगे, अगर केवल वैलेंसी बोला जाएगा तो 1 बोलोगे, अगर मैक्सिमम बोला जाए तो ये बोलोगे। और वैलेंसी में कभी भी प्लस और माइनस नहीं लगाया जाता है, ठीक है, कि +7 वैलेंसी केवल वैलेंसी होता है। काई काई समझ लो, हैलोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, और क्लोरीन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है क्लोरीन का, 7, और मैक्सिमम वैलेंसी, तो याद करके आओगे कल, और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो ये कि ऑफलाइन क्लास आकर अटेंड करो, बराबर है क्या। घर में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अब परमिशन लेके यहाँ पर क्लास अटेंड करो, क्योंकि बैच 1 में कम से कम 20-25 स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। ट्राई करो कि आके ऑफलाइन क्लास अटेंड करो, नहीं तो बाद में आंख ऐसे फाड़ के देखो क्या हो रहा है बोर्ड पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर्कस में आ गए क्या। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी का मतलब मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, और वैलेंसी का मतलब होता है नॉर्मल, एक नॉर्मल कंडीशन में, जब तुम खाना खाए तो एक नॉर्मल खाना खाते हो और एक दबा के खाना खाते हो, तो मैक्सिमम खाना खा लिए, तो वही जो डिफरेंस है। तो जब तुमसे वर्ड में पूछे कि मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना बॉन्ड बना लेगा, तो अधिकतम 7 बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मल केस में एक बॉन्ड बनाएगा। तो हो गया ना, कल कुछ और हम आगे वैलेंसी और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, और कल थोड़ा सा बात करेंगे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, और कल बात करेंगे कि सेकेंड ग्रुप जो है थर्ड ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। तो कल लगभग अपना लगभग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फिनिश हो जाएगा, ओके। उसके बाद डाउट सेशन लेंगे, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स टू ऑल। तो कल आप याद करके आओगे, अभी बाकी इसमें 18 का और डी ब्लॉक का बाकी है, तो कल पढ़ाएंगे, ठीक है।